आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, आइए खबरें विस्तार। और केके न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल की घंटी को दबाए। विकास के दावे के खुल गए पोल, 15 वर्षों से गंदी पानी सड़क मार्ग पर बह रही, सुध लेने वाले कोई नहीं। बगहा पच बिहार प्रखंड बगहा 1 के बगहा नगर परिषद के वार्ड 35 तेलिया टोला रत्नमाला में 15 वर्षों से सड़क पर पानी बह रहा है। इस गंभीर समस्याओं के लेकर ग्राम वार्ड पार्षद प्रधान मुखिया से लेकर प्रखंड ही नहीं बल्कि नगर परिषद बगहा के साथ जिलाधिकारी तक का ग्रामीणों ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन इस समस्याओं का निदान नहीं निकल सका। एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बड़े बड़े विकास का दावा करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत देखा जाए तो कुछ और ही हकीकत सामने आती है। विकास की बात करने वाले अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के विकास के दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि इस मुख्य मार्ग से स्कूली बच्चों को आए दिन गंदी पानी में पार कर सड़क मार्ग से अपने स्कूल आते जाते हैं और कई बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन इस गंभीर समस्याओं को यहाँ के वार्ड पार्षद व मुखिया कभी ध्यान नहीं है। मुखिया क्षेत्र के विकास से ज्यादा ध्यान अपने कार्यकाल में अपना पूर्ण विकास में लगे हुए हैं, तभी तो इस सड़क मार्ग पर गंदा पानी बहने से स्थानीय लोगों को बड़े बड़े मलेरिया के मच्छरों, कीटाणु, जानवर जैसे विषाणु के काटने से कितने लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। खबरें विस्तार से। गौरतलब है कि ग्रामीणों द्वारा इस गंभीर समस्याओं को निजात ग्राम प्रधान वार्ड पार्षद मुखिया व प्रखंड कार्यालय से नगर परिषद से लेकर जिलाधिकारी तक गुहार लगाने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं मिलने के कारण मुख्यमंत्री के इस गंभीर समस्याओं को लेकर गुहार लगाने के लिए मन बना लिया है। इस गंभीर समस्याओं से निदान कब मिलेगी हर राहगीरों के जुबानों पर आ रही है। दूसरी तरफ वार्ड पार्षद ठहरदी फैर के अनदेखी का कारण बना नगर परिषद बगहा के वार्ड 35 का तेलिया टोला बगहा 1 नगर परिषद के वार्ड नंबर ठहरदी फैर के तेलिया टोला रत्नमाला में खुले आम भारत सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहा है। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का संदेश विफल होता नजर आ रहा है। एक तरफ तो भारत सरकार देश को स्वच्छ रखकर डिजिटल इंडिया बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को स्वच्छ रखने के अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के द्वारा स्वच्छता संदेश देने वाले बड़े बड़े दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं तथा स्वच्छ भारत का अभियान मिट्टी में मिलता और घुलता नजर आ रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए सरकारी विभागीय अधिकारियों से लोगों का विश्वास उठता नजर आ रहा है। आखिर इस तरह की बड़ी लापरवाही क्यों? महिलाओं को खासकर शौच करने पर कहीं भी उठने बैठने के लिए शर्म का पर्दा हटाकर मजबूर होना पड़ रहा है। कोई इसकी खोज खबर पूछने वाले नहीं है। अब यह देखना होगा कि अधिकारियों की नजर पड़ती भी है या नहीं। अगर इसकी जांच किसी ईमानदार अधिकारी के द्वारा करा दिया जाए तो तथ्य सामने आ ही जाएंगे कि जिसका घर झोपड़ी का उसके घर शौचालय नहीं बना है, जिसका घर पक्के के है जिसके घर पहले से ही बना था शौचालय उनकी पुरानी शौचालय की मिली भगत से जांच कर राशि भी आवंटित कर दिया गया है। वही इस वार्ड के वार्ड पार्षद की बहुत बड़ी भूल है कि जहां नौजवानों को मिलता है वृद्धा पेंशन जबकि वृद्ध इस लाभ से वंचित है। खैर अब तो आने वाला ही समय बताएगा कि यही है स्वच्छ भारत का डिजिटल इंडिया अभियान क्या है। वर्तमान सरकार द्वारा नाली गली सड़क विकास योजना के तहत बगहा नगर परिषद विकास के पहिए को रफ्तार देने की योजना तो चलाई जा रही है, पर इस योजना का कोई संतोषजनक लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसी क्रम में बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर ठहरदी फैर में रत्नमाला तेलिया टोला का जहां गांव से होते हुए मुख्य सड़क से मिलने वाली खड़जा मार्ग का ये रास्ता करीब दर्जनों गांव और चाय के वन हाईवे से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। इसकी दयनीय हालत के कारण इस मार्ग पर आवागमन करने वाले ग्रामीणों किसानों को अपनी फसल ले जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर कुछ विद्यालय होने के कारण छात्रों का आवागमन मार्ग की दयनीय स्थिति के खराब होने के कारण आवागमन करने में ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मियों में तो इस रास्ते पर किसी तरीके से आवागमन हो भी जाता है, परंतु जैसे जैसे बरसात का समय नजदीक आता है आसपास के ग्रामीण इस रास्ते को लेकर अपनी आवागमन से करने के लिए चिंतित हो जाते हैं। बरसात के समय में इस रास्ते पर चलना किसी हादसे से कम नहीं रहता तथा खड़जे की अत्यंत स्थिति दयनीय है कि कई जगह तो ईंट भी निकल गई है और गड्ढे हो गए हैं। मार्ग को देखकर कई जगहों पर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कभी सड़क पर खड़जा भी हुआ था। इस सड़क के रास्ते प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज तक की अध्यापक तथा छात्र छात्राएं पठन पाठन करने के लिए जाते हैं और किसान अपनी फसल मंडी में भी इसी रास्ते से ले जाते हैं। बताते चले कि इस सड़क के खराब हो जाने से ग्रामीणों लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कारण इस मार्ग का उपयोग बाईपास के रूप में भी काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन आजादी से आज तक इस सड़क का जीर्णोद्धार पर किसी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं रहा है। इस मार्ग की चौड़ाई 20 कड़ी है।
जिस पर विगत कई वर्षों के लिए खड़ंजे का निर्माण कार्य किया गया था, जो अब टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस मार्ग पर बारिश के मौसम में आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों आवागमन को लेकर काफी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग के संबंध में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन इन शिकायत का कोई लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला और सड़क पर आवागमन को लेकर ग्रामीणों में मायूसी बरसात के समय में छाई रहती है। तीसरी तरफ हरहा नदी के जलस्तर बढ़ने से कटाव जारी नहीं पहुंचे कोई अधिकारी। बरसात के समय होने से अब हरहा नदी उफान पर चल रही है, जिसकी वजह से हरहा नदी के किनारे बसा श्री क्षेत्र के वार्ड नंबर थहरडी फैका तेलिया टोला, जिसमें पूर्वी में बना खड़जा नदी में हो रहा बिलिंग देखने तक भी नहीं पहुंचे कोई अधिकारी। आसपास के लोगों ने बताया कि इस तरह से अगर रहा तो बहुत जल्द ही यह गांव नदी की धारा में प्रवाह कर जाएगा। वही वार्ड पार्षद पति भीष्म सिंहते हैं कि इस वार्ड से हमको कुछ लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, जिसको जहां जाना है जाए, जो करना है करे। बघा नगर के वार्ड 35 में नाली को कर घर बना लिया गया है, जिससे पानी की निकासी रुक जाने से आसपास के इलाकों में लगा बाग बगीचे पानी की जल जमाव होने से सूख रहे हैं, जिसका पूर्व SDM बघा धर्मेंद्र कुमार के कार्यकाल में ग्रामीणों द्वारा आवेदन भी दिया गया था, जिसका भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ था। आखिर KK न्यूज 24 बघा बिहार से विजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बघा SDM साहब का आदेश था कि नगर हो या पंचायत, हर जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना है। क्या आपके वार्ड में आज तक छिड़काव हुआ है? इस वार्ड में आज तक ना कोई छिड़काव हुआ है, ना कोई पदाधिकारी आता है, नहीं आया है, ना वार्ड मुखिया आया है, ना मुखिया सरपंच है, कोई भी आदमी नहीं आता है। अरे, नगर परिषद जो है करोड़ों रुपए की बजट आती है धुआं छिड़काव के लिए, मच्छरों के लिए, लेकिन क्या आज तक आपके वार्ड में धुआं छिड़काव हुई है? अरे धुआं तो धुआं, आज तक कोई बीड़ी का धुआं नहीं बीगने आया है। आप लोग ये जो यहाँ पे प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? इस प्रदर्शन का उद्देश्य मेन है कि यहाँ का रास्ता जो है कंजस्टेड हो चुका है, रास्ता आने जाने में पब्लिक को तबाह होती है, सुखरख में भी तबाह होती है। यहाँ पर चारों ओर पानी, नाला का पानी गिराया जाता है, कोई कोई बच्चा गिर कर उसका हाथ पैर भी टूट जाता है, कोई मोटरसाइकिल लेकर गिर जाता है, कोई साइकिल लेकर गिरता है, कोई पैदल भी गिर जाता है। यहाँ पैदल चलने में भी इसका बहुत असुविधा है। क्या आप लोग मुखिया पति को ध्यान आकर्षित किए हैं अपने वार्ड पर? हम अपने वार्ड पर मुखिया के लिए, मुखिया से कई बार बोले हैं, इसके लिए हमारे मुखिया या सरपंच, कोई भी निगरानी, कोई भी पदाधिकारी जो है नहीं आता है देखने के लिए। आज तक नहीं देखा है, नहीं देखने के लिए आता है। आपका शुभ नाम? मेरा मदन प्रसाद गौड़ नाम है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 35। इस वार्ड का मुखिया पति का ध्यान इस वार्ड में नहीं पड़ता, इस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? इस वार्ड में तो कभी देखने भी नहीं आते हैं। इस वार्ड में इतना गंदगी, पानी जो बच्चा सब हेल रहा है, उसे स्कूल के बच्चा के लोगों के आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ पड़ रही है। बच्चा आता है इस पानी में गिर जाता है, यहाँ पर कोई जो है देखने वाला नहीं है। अच्छा, मुखिया पति ये भी कहते हैं कि इस वार्ड भाड़ में जाए, हमको कुछ नहीं लेने देना है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो आते नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं उनसे, फोन पर कहते हैं, बार बार कहते हैं, हमारे गांव की ऐसी स्थिति है, लेकिन कभी आते नहीं है देखने। आपके वार्ड में बहुत सारी समस्या दिख रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बघा नगर परिषद के वार्ड नंबर 35 से खड़ा हूँ और यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ की सबसे मूल समस्या है पानी का बहतर, जो आज तक इस पर नगर परिषद से कोई व्यक्ति आया देखने के लिए और ना ही वार्ड आयुक्त ही आ पाते हैं देखने के लिए कि क्या असुविधाएं हैं। सभी पब्लिक त्राहिमाम करती है बरसात के दिनों में, क्योंकि पूरी कंगला का जो नाला है वो बंद कर दिया गया है और पानी के बहतर के लिए मात्र एक सड़क ही रास्ता दिख रही है, तो इसलिए पूरी मैंने जनता के लिए यहाँ परेशानी का सबब बना हुआ है। आखिर यहाँ पर नाला है और ना ही क्या है कि रोड की व्यवस्था है। आखिर आपके वार्ड से मुखिया पति सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मुखिया पति सौतेला व्यवहार के हम सभी लोग अपनी अपील रखे हैं, लेकिन अब उसके बजट के बारे में नगर परिषद और क्या है कि वार्ड आयुक्त समझें कि बजट का क्या यहाँ पे शेड्यूल है।